हेलो जी, प्यार भरी सत श्री अकाल सारिआं नूं। ते अज कल त्योहारां दे दिन आ रहे ने, रखड़ी आ रही है, सावन महीना चल रहा। ते मैं क्या अज कुछ मिठे दी रैसिपी पा दईए। मैं सोचदी हां कि रखड़ी तो पहला तीन चार मिठाइयां दी रैसिपी पा दें कि तुसीं अपने हत्थां नाल बनाओ ते फिर अपने भरावां नूं रखड़ी बन्नन जाओ। ते अज मैं बेसन दी बर्फी बना के तुहानूं दसदी हां। बहुत ईजी ते क्विक रैसिपी है, बड़ी स्वाद बनदी है, बहुत हैल्थी है। तो ये कोई ज़्यादा इनग्रीडियंट नहीं पैंदे, बस तीन चार इनग्रीडियंट नाल बन जाती है। 15 मिनट च ये बर्फी तैयार हो जाती है। और मैं दसा केड़ियां चीज़ा पैंदियां। 1 कप ग्राम फ्लावर बेसन, 1/2 कप शुगर, 1/3 कप मिल्क पाउडर सुक्का दुध, कुछ मैं आलमंड लेयर गार्निश करने वास्ते, 1 पिंच सैफरन, 2 पिंच इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर, क्लेरिफाई बटर 1/2 कप, ते आ थोड़ा पानी चाहिए सानू चाशनी बनाने वास्ते। असी पहले तुहानू चाशनी बना के दसदे हां। ते मैं पैन गैस ऑन कर लिया, पैन रख लिया, ये 1/2 कप है। तुसी थोड़ा वध भी मिठा पा सकते हो, असी घट खाने हां, इस करके मैं थोड़ा जिहा अद्धे तो घट पाया। ते पानी उन्ना क पाना, 1/2 to 1/2 कप, जिन्ने विच तुहाडी शुगर डुब जावे, बस इन्ना ही पाना। हुण असी ये जिहड़ी चाशनी है ये बनानी हैगी है। उधर साडी चाशनी बनदी है, इधर मैं गैस ऑन कर लिया, पैन रख लिया। तो हुण असी अपना बेसन भुनना, जिहड़ा 1/2 कप सी घिओ दा मैं पा दिता है। हुण असी आ बेसन भुनना है। बेसन नूं असीं चंगी तरह भुनना है, ना ये कच्चा रहना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा सड़ना चाहिए है। फिर जे कच्चा रहेगा तो दंदा नूं लगेगा, जे ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर ये स्वाद नहीं इहदा आएगा, तो देखण नूं भी नहीं वधिया लगेगा। हुण इहनूं असीं इहनूं घट तो घट 10 मिनट लग जाने इहनूं भुज्जण नूं, ना ब्राउन होण नूं, पूरा रोस्ट करना है। चाशनी बनदी है, इहदे विच जिहड़ा इलायची पाउडर सी इह वी ऐड कर देना है। ते आ जिहड़ा सैफरन सी इह वी ऐड कर दो। ये ऑप्शन है, जे तुसीं नहीं पाउणी है दोनों चीज़ां ना पाओ, तो पा भी सकदे हो, फ्लेवर वधिया आउंदा है। तो मैं फूड कलर भी पाउणा सीगा पर नीत ने मैनूं मना कर दिता है, कहिंदी नहीं पाउणा। देखो आलमोस्ट साडा रंग चेंज हो गया ना। तो ये ना तो एक स्पून या अद्धा स्पून ना थोड़ा जहा दुध ना छिट्टा मार दो, तो इनू फिर तुम फटाफट हिलाना। ये ना जी साड़ी बर्फी है दानेदार बनती है, यह भी एक टिप हैगा है। तुम मोटे बेसन की भी बर्फी बना सकते हो, पर मैं बरीक ही पाया है। तो उन्नी देर तक इनू तुम हिलाई जाना, जिनी देर तक ये झग नहीं खत्म होंगी। तो हूँ ये आलमोस्ट साडा कुक होने वाला है। बहुत सोहनी खुशबू भी आ रही है, तो रंग भी चेंज हो गया। गैस बंद कर दिता है। हुण असीं गैस बंद करके फिर असीं आ जिहड़ा आपां सुक्का दुध रख्या सी 1/3 कप, 4 चमचे हैगा है, ये तुसीं ऐड कर लो। इहदे नाल ये है कि तुसीं नहीं भी पाउणा नहीं पा सकते, ये ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है। तो इहदे नाल खोए वर्गा टेस्ट आता फिर बर्फी का। इहनूं असीं गैस बंद करके पाउणा, चंगी तरह मिक्स कर लेना है। आ देखो हुण असीं देखणे आ, हुण मैं आलमोस्ट बन गई है। इदां दी तार बननी चाहीदी, पत्तरी विच ऐड कर देनी है चाशनी दी। हुण असीं इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लेना है। आ देखो असीं बटर पेपर लगा के ते इहनूं ट्रे नूं ग्रीस कर, जे ना तुहाडे कोल पेपर बटर होए तुसीं उहदा भी ग्रीस कर सकदे हो। मैं इहनूं ग्रीस कर लिया। हुण असीं जिहड़ी साडी बर्फी है इहदे विच सारी पा देनी है, मटीरियल असीं सारी हुण इहदे ते समूद कर ली है। जे असीं 2 कप की बनाते तो मेरी ट्रे फुल हो जाणी है, असीं 1 कप की बनाई है। तो आ हुण असीं सारे जिहड़े अपने बदाम सारे इहदे ते लगा लो, काजू भी पिस्ताशू भी लगा सकते हो, जो भी तुहाडा दिल करदा कोई भी तुसीं नट लगा सकते हो। ये तुसीं बाहर रख दो घंटा अद्धा घंटा, जे तुसीं जल्दी खानी है तो तुसीं फ्रिज में रख दो, 15-20 मिनट जम जाती है। फिर असीं इहदे पीस कट लैने हैं, फिर उन्हें थोड़ा तुसीं दबा लो। तो हुण इह जमदी है तो फिर तुहानूं दसदे हां पीस कट के। इहदे असीं फ्रिज में रखी है 10-12 मिनट, तो जम गई हुण साडी बर्फी। हुण तुहानूं इह कट के विखाने हां, क्यों ये थोड़ी ही बनाई है, क्योंकि कोई मिठा ज़्यादा ही लाइक नहीं करते। आ देखो साड़ी सारी बर्फी बन गई है, असी कट के पीस जा लिया। मैं तुहानूं तोड़ के दसदी हाँ कि सोहना टैक्सचर आया। देखो तो जे तुहानूं मेरी रैसपी चंगी लगी तो तुसी मेरी रैसपी नूं वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो प्लीज़ सारे।
प्लीज। सत श्री अकाल जी सारे नूं।